किसान आंदोलन के सारे विजुअल्स तो आप देख चुके होंगे, लेकिन अब आपको राजनीति समझना स्पेशली किसानों की बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो यही देखिए कि 32 से 50 संगठन कैसे हो गए हैं किसानों के, और राकेश टिकैत जो कि जब पिछली बार 2021 में प्रदर्शन हुआ था, किसान आंदोलन पहला हुआ था जिस पर सरकार झुक गई थी, तो उसके जो चेहरे थे राकेश टिकैत चडूनी, वो इस वाले आंदोलन में कहां गायब हैं। किसानों की पूरी राजनीति आज रिमझिम के 5 पॉइंट में आप समझेंगे। सबसे पहला है कि 32 से 50 कैसे हुए किसान संगठन, दूसरा है कौन है आंदोलन करने वाले नए संगठन और नए चेहरे, तीसरा राकेश टिकैत इस बार क्यों गायब हैं और कहां गायब हैं, चौथा 2021 के किसान हीरो चडूनी इस वक्त इस आंदोलन में कहां हैं और सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, और पांचवा ये एमएसपी वाला झोल क्या है, हमेशा एमएसपी पर आकर बात क्यों अटक जाती है। जब पिछली बार आंदोलन हुआ था तो कृषि कानून वापस ले लिए गए थे और एमएसपी पर वादे किए गए थे लेकिन उनको पूरा नहीं किया गया, और अभी भी सारे किसानों को आप मिला लो, सबकी एक ही मांग रहती है एमएसपी पर कानून। तो आखिर इसके पीछे की राजनीति और नंबर गेम क्या है। शो शुरू करूं उससे पहले आप ये विजुअल्स देखिए कि कैसे किसानों ने कहीं बैरिकेडिंग तोड़ दी, कहीं सीमेंट के पत्थर हटा दिए, कहीं जो पुल की रेलिंग है उसको ही नीचे गिरा दिया, आंसू गैस की बौछारें हो रही हैं, वाटर कैनन आ रहे हैं। ये सभी विजुअल्स आप पहले देखिए कि आज पूरे दिन भर क्या क्या मेन विजुअल सामने आए हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि 32 से अब 50 संगठन कैसे हो गए हैं किसानों के, इस बार वाला आंदोलन पिछले वाले आंदोलन से कैसे अलग है, इस बार वाली मांगे पिछले वाले आंदोलन से कैसे अलग हैं, और इस बार के तो नेता भी संगठन भी अलग है। और मैं आपको फिर बता दूं कि किसानों की आपस में भी अलग राजनीति चल रही है, वो आपको समझना बेहद जरूरी है। 2020 और 21 में किसानों के 32 संगठनों ने एक साथ प्रदर्शन किया था और सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। उस बैनर का नाम था SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा, और अब ये SKM टूटकर 3 भागों में बट गई है, यानी SKM पंजाब, SKM गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा यानी KMM। पिछली बार 32 संगठनों ने आंदोलन किया था और इस बार किसानों की संख्या बढ़ गई है और 50 संगठन एक्टिवली विरोध कर रहे हैं। जिन किसानों ने पिछली बार 2021 में प्रदर्शन किया था वो इस वाले किसान आंदोलन में इन्वॉल्व नहीं है। इस बार 3 बड़े संगठन आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, वो पहले SKM का हिस्सा थे पर किसानों के बीच फूट पड़ गई और कुछ लोग अलग हो गए। ये 3 है SKM पंजाब, SKM गैर राजनीतिक जिनके लीडर हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, तीसरा है किसान मजदूर मोर्चा यानी KMM जिनके संयोजक है सरवन सिंह पंडेर। इन दोनों ही समूहों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और यूपी के किसान शामिल हैं। और मैं आपको बता दूं कि कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद दिसंबर 2021 में जब किसानों ने घर लौटना शुरू किया था तो कृषि समूहों के बीच ऐसे मतभेद पैदा हुए कि उनमें टूट पड़ गई, जिसमें नतीजा ये निकला कि समूहों के भीतर कई विभाजन हो गए। अब सक्रिय किसान संगठनों की संख्या 50 के करीब बढ़ गई है, जबकि नवंबर में 2020 में इनकी संख्या 32 थी। किसानों का कहना है कि 200 से अधिक किसान संगठन दिल्ली कूच में इस वाले किसान आंदोलन 2.0 में शामिल हैं। इस बार किसान आंदोलन में विभिन्न संगठन अलग अलग मोर्चों के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे 2 बड़े संगठन अभी विरोध कर रहे हैं, उन्होंने सबको एकत्रित किया है और 2 बड़े नेता सामने आए हैं, किसान नेता। इस पॉइंट में आप वही जानेंगे कि कौन है आंदोलन करने वाले ये नए संगठन और नए किसान नेता। तो पहला मुख्य संगठन है SKM गैर राजनीतिक जिनके लीडर हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल। डल्लेवाल पंजाब में बीते कई सालों से किसानों की आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने 2020 में लंबी भूख हड़ताल भी की थी। उनके नेतृत्व में करीब 50 किसान संगठनों ने दिल्ली कूच किया है। ये सभी किसान संगठन पंजाब में ही सक्रिय हैं। डल्लेवाल का खुद का एक किसान संगठन है जिसका नाम है भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर, ये पंजाब में सक्रिय है। फरीदकोट जिले में पड़ने वाला डल्लेवाल गांव के निवासी जगजीत सिंह लंबे अरसे से किसानों के मुद्दों पर एक्टिव हैं, लेकिन उनसे संयुक्त किसान मोर्चे के उस धड़े से मतभेद है जिसने 2022 में चुनाव लड़ा था। कहा जाता है कि उस चुनाव के चलते ही किसान संगठनों में मतभेद पैदा हो गए थे। किसानों के एक वर्ग का कहना था कि हमें राजनीति में नहीं उतरना चाहिए। दूसरा संगठन है किसान मजदूर मोर्चा यानी KMM और इसके संयोजक है सरवन सिंह पंडेर। पंडेर पंजाब के अमृतसर से हैं। वे माझा के किसान संगठन किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव हैं।
किसान संघर्ष कमेटी से अलग होकर सतनाम सिंह पन्नू ने 2007 में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का गठन किया था। पंडेर इसी संगठन का बड़ा चेहरा है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का कार्य क्षेत्र अमृतसर है, हालांकि बाकी कई जिलों के किसान इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये संगठन 13 साल पुराना है और पिछले किसान आंदोलन में भी सक्रिय रहा था। 45 साल के सरवन सिंह पंडेर हमेशा से किसान हितों के लिए मुखर रहे हैं। वे अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के करीबी भी रह चुके हैं। पंडेर के पास करीब 2.25 एकड़ की जमीन है। तीसरा मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस वाले आंदोलन से आखिर राकेश टिकैत कहां गायब हैं, जब पिछले बार 2021 में आंदोलन हुआ था, जब वो 13 महीने तक संघर्ष चला था, उसमें राकेश टिकैत एक सबसे बड़ा चेहरा थे, लेकिन इस वाले आंदोलन में वो गायब क्यों हैं? इस बार के आंदोलन में राकेश टिकैत समेत 2020 के वे तमाम चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं जिन्होंने तब नेतृत्व किया था। राकेश और नरेश टिकैत बंधुओं के नेतृत्व वाली भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक भी इससे अलग है। मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। संयुक्त मोर्चा अभी इस मोमेंट में नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चे की 16 फरवरी की कॉल है, ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है, ये भी किसान संगठन से ही हैं, ये दिल्ली के लिए चल रही है, लेकिन हम इनके समर्थक में हैं। अगर इनके साथ में कोई छेड़खानी नहीं होगी तो हम इनके सपोर्ट में आएंगे। पिछली बार किसानों का आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ था और वो इसमें सफल भी हुए थे क्योंकि सरकार ने इन कानूनों को वापस ले लिया था। हालांकि उस समय केंद्र सरकार ने MSP कानून का वादा किया था, लेकिन अब तक वो मांगे पूरी नहीं हुई हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के वाइस प्रेसिडेंट और संयुक्त किसान मोर्चा नेता हनन मौला ने कहा है कि ऑल इंडिया किसान सभा संयुक्त किसान मोर्चा का सबसे बड़ा दल है और हम इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हैं। चौथा, आपको ये भी याद होगा 2021 में जब हुआ था तो किसान हीरो चडूनी थे, उनके इतने विजुअल्स वायरल हुए थे, लेकिन इस बार जो ये किसान आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन 2.0, इससे वो क्यों गायब हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? 2020 में किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने इस बार आंदोलन से दूरी बना ली है। वहीं गुरनाम सिंह चडूनी ने किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि इस आंदोलन से उन नेताओं को अलग रखा गया है जो पिछले आंदोलन में शामिल थे। चडूनी ने कहा कि पिछली बार 2020 और 21 में विरोध स्थगित करने से पहले तय हुआ था कि जरूरत पड़ने पर यह आंदोलन दोबारा किया जाएगा। अब जब किसान फिर से दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो उन्हें पहले उन सभी किसान यूनियनों की बैठक बुलानी चाहिए थी जो पिछली बार मौजूद थे। उन्होंने हमसे परामर्श नहीं किया है, केवल समय ही बताएगा कि मैं आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन में शामिल होऊंगा या फिर नहीं। किसान राजनीति नहीं चलेगी तो किसान हित की बात कौन करेगा? पांचवा है कि आखिर ये MSP वाला झोल क्या है, जिस किसान के मुंह से सुनो वो कहता है कि MSP पर आप कानून लाओ और इसी के खिलाफ वो मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है। इनफैक्ट इस बार ये भी मांग है कि आप जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो भारत उससे बाहर हो जाए ताकि MSP पर बदलाव हो सके, MSP पर कानून बन सके। तो आखिर ये MSP क्या है और अगर कानून बन जाता है तो इसको किससे फायदा होगा, कैसे फायदा होगा और ये क्यों मोदी सरकार के लिए लाना मुश्किल है और अभी तक इसी पे ही बात अटकी हुई है। MSP किसी कृषि उपज का न्यूनतम मूल्य यानी गारंटीड मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हों। इसके पिछले तर्क यह है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का असर किसानों पर ना पड़े, उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे। सरकार हर फसल सीजन से पहले CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस की सिफारिश पर MSP तय करती है। यदि किसी फसल की बंपर पैदावार हुई है तो उसकी बाजार में कीमत कम होती है, तब MSP उसके लिए फिक्स एश्योर्ड प्राइस का काम करती है। अभी किसानों को सिर्फ 23 फसलों पर MSP दिया जाता है। MSP कानून लागू होने पर सभी फसलों पर सरकार MSP देने के लिए बाध्य हो जाएगी, साथ ही हर राज्यों में MSP पर फसलों की खरीदारी होने लगेगी। इस वक्त MSP का सबसे ज्यादा लाभ पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों के किसानों को मिलता है। इस कानून के लागू होते ही हर राज्य में MSP पर अनाजों की बिक्री होगी। कई जगहों और मौकों पर किसानों से कम कीमत पर फसल खरीदी जाती है,
अभी तक इस पर कोई कानून नहीं है। ऐसे में किसान अपनी बात को कानूनी तरीके से कैसे और कहां रखे, किस कोर्ट में अपने हक की बात कहे? कोर्ट भी कानून के दायरे में रहकर ही किसानों की बात सुनेगा ना। जब कानून नहीं है, सिर्फ नियम है, तो सरकार चाहे तो MSP कभी भी रोक सकती है या फिर खत्म कर सकती है। इसी बात का डर किसानों के अंदर बैठा हुआ है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि किसानों की इस पूरे आंदोलन को लेकर राजनीति क्या है। और किसानों ने तो ये भी कहा है कि कांग्रेस हमारा समर्थन तो कर रही है, लेकिन हम कांग्रेस को भी उतना ही जिम्मेदार मानते हैं जितना BJP को मानते हैं। दोनों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है, तो इधर कांग्रेस को एक और झटका मिल जाता है। हालांकि इस पर राजनीति भी हो रही है, और जिस समय पर यह हो रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट समय है, क्योंकि सर पर हमारे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। और अगर ऐसे में ये आंदोलन लंबा चलता है, आप खुद देखिए कि ये सब लोग 6 महीने का राशन अपने साथ पहले से ही लेकर आए हैं, और अगर ये लंबा चलता है तो आपको और मुझे परेशानी होने वाली है, क्योंकि जाम इतना लगा हुआ है, दिल्ली की सारी बॉर्डर सील है। और आगे आने वाले दिनों में मैं आपको फिर बता दूं कि आप बहुत सोच समझ के इन रास्तों पे सफर कीजिएगा, क्योंकि आप वहां पर अटक सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप News24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।